morning. This is your teacher Shalini Gupta. Today I am going to talk about was. My dear children, today we'll learn the concept of was and were, right? So was is used with past tense. We did present tense. Present tense mein humne use kiya tha is, am, are. प्रेजेंट टेंस क्या होता है, चलिए रिकॉल करते हैं. प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू. ठीक है, तो मैंने क्या यूज़ किया, एम. आई के साथ क्या लगाया मैंने, एम. ऐसे ही वॉज वर यूज़ होता है जब हम वो चीज़ कर चुके होते हैं, जो चीज़ हो चुकी है पास्ट टेंस में. ठीक है, was is used in past tense. It is used for singular nouns like I, he, she, it. Was किसके साथ use होता है, past tense में, और singular nouns. Singular मतलब one के लिए, जैसे I, मैं, he, किसी भी boy, she, किसी girl के लिए, और it, कोई एक चीज़ के लिए. Okay? Now were. Were is used in past tense. I told you. It is used for plural nouns like they, we, you. Were किस में यूज़ होता है, past tense में, और plural nouns में, जैसे plural मतलब many, right? Singular plural पता है आपको, one and many. तो plural यूज़ होता है, plural के लिए यूज़ होता है were. जैसे they मतलब वे सब, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. We भी एक से ज़्यादा है, हम, you, तुम, और भी तुम में दो तुम भी, दो लोग भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं. ओके, सो वॉज एग्जाम्पल्स लाइक, लेट्स सी सम सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग वॉज. आई वॉज डांसिंग, शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस. चलो देखते हैं, आई वॉज डांसिंग, शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस, ही वॉज लेट. कहीं भी पहुंचने में हो सकता है, स्कूल लग तो स्कूल बैग रहा है, तो ही वॉज लेट. आई वॉज प्रेइंग, आपने देखा, एक बार फिर से देखो. आई वॉज डांसिंग, एक बार फिर से पढ़ते हैं. आई वॉज डांसिंग, शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस, इट वॉज देयर, ही वॉज लेट, एंड आई वॉज प्रेइंग. सो मैं क्या कर रही थी, आई वॉज डांसिंग, शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस, उसने अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई थी. ही वॉज लेट, वो लेट हो गया था, कहाँ के लिए अब ये तो नहीं बताया, लेकिन ही वॉज लेट, वो लेट था. आई वॉज प्रेइंग, मैं क्या कर रही थी, मैं प्रे कर रही थी. तो समझ आया आपको कि आपको सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूसेज करना है, जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ. ओके, नाउ सी were examples. Let's read the examples first, then I'll explain you. Okay, they were playing. Second is, we were tired of dancing. Third, you were going to school. Fourth is, we were having our online classes today. Last is, you were fighting. So I'll explain you with the picture. Let's see, they were playing. How many children are playing? More than one, more than two in fact. कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं. So क्या कर रहे थे, ये खेल रहे थे. They were playing. So they were playing in the morning, आप कह सकते हो. They were playing in the night, ऐसे भी कह सकते हो, या they were playing in the park. ठीक है, so they were playing. They के साथ लगाना है were, was नहीं लगाना. We were tired of dancing. हम क्या हो गए थे, थक गए थे डांस कर कर. ठीक है ना, तो वी वर, वी इसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बट एक नहीं होगा. एक में तो क्या होगा, इफ सिंगल सिंगल पर्सन इज देयर, देन क्या होगा, वन होगा. वन हो जाएगा तो वन के केस में क्या आएगा, आई. लेकिन वन से मोर होंगे, ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, वी. यू वर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर यू वर गोइंग टू स्कूल, स्कूल बिल्डिंग दिखाई है, तुम स्कूल जा रहे थे. जैसे किसी ने देखा, so you were going to school. Yes, we were having our online classes. You know na, we have our online classes. So yesterday we were having our online classes.
मतलब हमारी थी, ठीक है ना, थी, वर, वी के साथ क्या लगाया हमने, वर, जब हमारी क्लासेस थी. यू बोथ वर फाइटिंग सो लाइक दिस. सो माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट आई वांट टू से इज यू जस्ट लर्न दिस कॉन्सेप्ट, इम्प्लीमेंट. सो द मोर यू लर्न एंड द मोर यू ट्रैवल यू विल लर्न अ लॉट. सो ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.